वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। कई वीर ते भैणा कह दिंदे ने कि साडा सारा दिन काम कार विच लंघ जांदा है, साडी जिंदगी दे रजेवे बहुत आ, इस करके साडे कोल वाहिगुरु जी नूं याद करन दा, वाहिगुरु जी दे नाम जपण दा समां ही नहीं मिलदा। ना असीं पंज बाणियां दा नितनेम कर पाउने आ, अते ना ही जपजी साहब जां मूल मंत्र जी दा जाप, ते साडे लई कोई हल दसो। ते इत्थे सब तों पहला तां मैं इही कहना चाहांगी कि जे आपां करना चाहिए ते आपां सब कुछ कर सकते हैं, पर आपां अपने मन नूं टकाउणा ही नहीं चाहुंदे। आपां अपने मन नूं पहलां ही समझा लिया है कि आपां बहुत बिजी हैं, अपने कोल समां नहीं है, पर जे समां कढ़ना चाहिए ते कढ़ सकते हैं। 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम नूं, इह कोई ज्यादा नहीं है। तुसीं सोचो कि आपां सारे कम्मां लई समां कढ़ लैंदे हां, सारियां जिम्मेवारियां वी बड़ियां सोहणे तरीके नाल निभा रहे हां, पर की आपां जिसने सानूं इन्नियां दातां दित्तियां ने, जिस दे सहारे आपां तुरे फिरदे आं, आपां उस नूं ही याद नहीं करदे। तां जरा सोच के देखो कि जदों आपां नूं कोई माड़ा जिन्ना भी इग्नोर करे तां आपां नूं किन्ना बुरा लगदा है, पर आपां उस वाहिगुरू अकाल पुरख जी बारे नहीं सोचदे कि जिन्ने सानूं सारा कुछ दित्ता, असीं उस नूं दिन दे विच इक वार भी नहीं याद कर सकदे। असीं बड़े बेशुकरे हो गए हां। सानू वाहिगुरु जी याद आउंदे आ सिर्फ दुख दे वेले, सुख वेले सानू रब याद नहीं रहिंदा, ते जदों फिर दुख दी घड़ी आउंदी आ तो उदों गुरुद्वारा साहिब वल भजदे आ। तुसीं देखणा जे कितें साडियां 100 मंगां दे विचों इक मंग भी रहि जावे तां बड़ी छेती उलांभे गिले शिकवे करदे आ, पर मेरे वाहिगुरु जी बड़े दयालू आ, कृपालू आ। उह सानू दुखी हुंदिआं नूं देख के फिर नहीं रहि पाउंदे, अपनी गोद विच बिठा लैंदे आ। आपां जिस चीज़ दी वी जिद करदे आ उह फिर दे दिंदे आ, पर असीं बिलकुल बेशुकरे हो गए आ। असीं सुखां विच कमले होए फिरदे आ, रब नूं याद ही नहीं करदे। ते आओ अज तो ही शुरुआत करिए, जे नितनेम नहीं कर सकते, जपजी साहब जी का एक पाठ भी नहीं करया जांदा, मूल मंत्र जी दे लई भी समा नहीं है, तो सिर्फ अपने वाहिगुरु जी का शुकराना ही कर दिया करो कि पातशाह तेरा शुक्र है जो तू मैनू इन्ना सोहना शरीर दिता, जिस करके मैं अपने घर परिवार लई कमाई कर रहा हाँ, जो तू मैनू इन्नियां सुख सहूलतां दित्तियां, तेरा धन्नवाद है। एक बार सवेरे उठदिआं सार अते एक बार रात नूं सौण लग्गिआं शुकराना जरूर करया करो, ते जदों भी खाणा खाओ तो उदों भी पातशाह जी का कोटन कोट धन्नवाद करिया करो कि तुसीं सानूं इन्ना सुंदर प्रशादा बख्शिया है, क्योंकि रोटी की कीमत उन्हां नूं पुछ के वेखो जिन्हां नूं एक टाइम मिलती है एक नहीं। जे आपां अपनी जिंदगी का यही नियम बना लिए कि असीं अपने वाहिगुरु जी का दिन विच एक दो जां तीन वार दिलों शुकराना करना है तो साड़ी जिंदगी फिर भी सुधर सकती है। मेरे वाहेगुरु जी ने खुश होके फिर पता नहीं किन्नियां दातां साड़ी झोली विच पा देनियां ने। जे आपां शुकराना नहीं भी करदे तां भी मेरे वाहेगुरु जी नाराज नहीं हुंदे, पर साड़े लई ते किन्नी शर्म दी गल आ ना कि असीं इन्ने बेशुकरे हो गए हां कि अपने वाहेगुरु अकाल पुरख जिन्ने सानूं सारा कुछ दित्ता असीं उहनूं ही भुल्ले बैठे हां। ते आओ अज तों ही अपने नाल इक पक्का वादा करिए कि दिन विच जदों भी समां मिले अपने वाहेगुरु जी दा शुकराना जरूर करो। साडे वाहेगुरु जी ने ते गृहस्थी जीवन दे विच विचरदिया होया अपनिया जिम्मेवारियां नूं इमानदारी नाल निभाउंदे होए मनुखां नूं इन्नी छूट दित्ती है कि जे उह नितनेम नहीं कर पाउंदे ते एक जपजी साहिब जी दा पाठ ही एक मन एक चित हो के कर लैण, जे उह वी नहीं कर पाउंदे तां 5 मिनट मूल मंत्र जी दा जाप ही कर लिया करन तां वी साडा पार उतारा हो सकदा है, पर असीं इन्ने आ कि साडे कोल समां ही नहीं है। ते आओ ते अज तों अपने नाल वादा करिए कि आपां दिन दे विच 5-10 मिनट अपने वाहिगुरू जी दे लई जरूर कढ़ने आ ते अपने वाहिगुरू जी दीआं खुशियां हासिल करनियां ने। जेकर ये वीडियो वधिया लगी हुई तो इसनों लाइक कर देना, ते जे किसी दे दिल नूं ठेस पहुंची होवे तां माफ कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।